खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। तंबाकू युक्त गुटखा व अन्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक के बाद भी जिले में खुली तंबाकू का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोमवार को शहर में संचालित हो रहे तंबाकू पैकिंग के बड़े कारखानों पर प्रशासनिक अमले ने छापामार कार्रवाई कर करीब 40 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त कर दो कारखाने सील किए हैं। यह कार्रवाई SDM के नेतृत्व में नगर पालिका, खाद्य, ड्रग, श्रम, सेल टैक्स आदि विभागों ने की। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे अमला खंडवा रोड पहुंचा। यहां प्रतिष्ठित फर्म ब्रजेश टोबेको के 3 मंजिला गोडाउन में अफसरों के साथ करीब 20 से अधिक कर्मचारियों का अमला पहुंचा। खंडवा रोड पर कार्रवाई के दौरान अफसरों को बिरला मार्ग पर भी तंबाकू कारखाना संचालित होने की सूचना मिली, जिसके बाद अफसर दोपहर करीब 3:30 बजे बिरला मार्ग पहुंचे। SDM ओम नारायण सिंह बड़कुल ने बताया कि अवैध तरीके से तंबाकू कारखाने संचालन की शिकायत पर कार्रवाई की गई। मौके पर जांच के दौरान गंदगी में सड़ी गली तंबाकू को पैकिंग किया जाना पाया गया है। खंडवा रोड और बिरला मार्ग स्थित तंबाकू कारखानों को सील किया है। शुरुआती गिनती में 40 लाख रुपए की तंबाकू जब्त की है। करीब 8 विभागों के द्वारा अनुमति, रजिस्ट्रेशन, टैक्स आदि की जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। को मैं पूर्व में सूचना दी थी और इसको ट्रेस करवाया गया है और यहाँ पर ये बहुत ख़राब कंडीशन में अवैध रूप से तंबाकू का कारखाना संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। क्या कार्रवाई की गई सर? तो अभी सबसे पहले ये तंबाकू कारखाने को ट्रेस किया गया है और यहाँ पर किसी प्रकार की इसको अनुमति नहीं है और यहाँ पर खराब तंबाकू को खाद्य पदार्थ के रूप में पैक किया जा रहा था और वहाँ पर बहुत अनकंडीशनल जगह पे मजदूर काम कर रहे थे। बिल्डिंग आप खुद देख रहे हैं कि बहुत गंदी जगहों पर उन तंबाकू को अवैध तरीके से पैकिंग किया जा रहा था और जो अभी प्रिंट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।